सुबह सुबह ये नई नस्ल के लोग मेरे घर पर, क्या बात है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परेशान लगते हो, खैर तो है? हम दोनों, बोलो ना। हाँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। किसी अच्छे खानदान के चश्मों चराग हो, तुम्हारे अंदर शराफत और इंसानियत का जज्बा भी मौजूद है, वरना जिस तरह शैतान के बहकावे में आकर तुमने गलत कदम उठाया, तुम गुनाहों की पस्तियों में भी गिर सकते थे, लेकिन तुम्हारी शराफत तुम्हें मेरे पास ले आई। मौलवी साहब, आप जल्दी से निकाह पढ़ा दीजिए। लेकिन बच्चों, इसमें गवाहों और सरपरस्तों की जरूरत होती है। मगर हम दोनों रजामंद हैं, और आप हमारे गवाह भी तो हैं मौलवी साहब। हमारे सरपरस्त हमारे प्यार के खिलाफ हैं। प्यार का जो ताजमहल वालदान की लाशों पर बनाया जाए, वहां लोग इज्जत के चिराग जाने नहीं आया करते। लड़की की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत हुआ करती है बेटी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस लौट जाओ, वापस चली जाओ। हम वापस नहीं जाएंगे मौलवी साहब, हम दोनों मोहब्बत करते हैं। हाँ मौलवी साहब, सनी ठीक कहता है। जो मोहब्बत वालदेन अपनी औलाद से करते हैं, उनके मुकाबले में तुम्हारी मोहब्बत अशरे शीर भी नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं। कितनी मोहब्बत से पालते हैं, दुनिया के सारे दुख अपनी झोली में डाल लेते हैं, मगर अपने बच्चों तक उसका साया नहीं जाने देते। हर नाज उठाते हैं, दुनिया भर की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, उनको तालीम दिलवाते हैं, और अपनी उम्मीदों को उनके खूबसूरत मुस्तकबिल से वाबस्ता कर देते हैं। तुम्हारी मोहब्बत तो महज एक जज्बाती फैसला है, बल्कि खुद गर्जी है। सही मोहब्बत तो वो है जिसके लिए जन्नत चलकर खुद कदमों में आ जाती है। वो है माँ की मोहब्बत, जिसे ठुकरा कर तुम लोग यहाँ चले आए हो। मौली साहब। बेटी, अगर कुत्ते का बच्चा पाला जाए, वो फाको तो मर जाता है, लेकिन मालिक का घर छोड़कर कभी नहीं जाता। तुम तो फिर अशरफुल मखलूकात हो। हमें माफ कर दीजिए मौलवी साहब, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। सनी, मैं तो पहले ही कहती थी घर से भागना बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम नहीं माने। चलो अब घर चलें, अब तो मम्मी डैडी भी जागे होंगे। हाँ, अच्छा मौलवी साहब, खुदा हाफिज। अब्दुल, ओ अब्दुल, आया साहब। जी साहब। कहाँ छुपा बैठा है सुसरे? जाओ बंदूक का पुर ढूंढ रहा हूँ, हम आज मुराबी के शिकार पे जाएंगे। आप बोल थ्रू है, सर समझ आ गया, मैं जा रहा हूँ। चलो जाओ, लेकर आओ। पागल ससुरा, गुल थ्रू को कहता है गुल थ्रू, आज तो मुर्गाबी के शिकार पे भी जाना है। नाश्ता तो आराम से कर लीजिए, क्या हो गया आपको? बेगम साहिबा, ये आपका मूड के सिलसिले में ऑफ है। नाश्ते पर बंदूक की सफाई, लंच पर शिकार की बातें, रात भर मचान की बातें, शेर बकरी नील गाय जंगली जानवरों के नाम सुन सुनकर मुझे तो वहशत होने लगी है। तेरी उल्फत में सनम, हमने बहुत दर्द सहे और हम चुप भी रहे। मालूम है बहुत अच्छा गाना गाती हैं आप। नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। आज तक बेटी के बगैर कभी नाश्ता किया है हमने? ओह, 8 बज गए, अभी ना खाएं। जी हाँ, आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अच्छा जी। रात के 2-2 बजे तक वीडियो पर फिल्में देखती है, रोज कॉलेज देर से जाती है। जाती तो है ना? हाँ हाँ, आप डांटिए जिंदगी भर नहीं, सीने से लगाकर प्यार कीजिए। जाती हूँ, दोनों बाप बेटी ने मेरा नाक में दम कर रखा है। नाक हो तो कोई दम करे ना, जब नाक ही नहीं है तो दम किस चीज पे किया जाए? सवेरा, सवेरा कहाँ चली गई है? क्या हुआ सवेरा? नहीं, जवाब क्यों नहीं देती? क्या हुआ सवेरा को, कहाँ है वो? प्यारे मम्मी डैडी, सदा खुश रहें। मुझे अफसोस है कि मैं आज ही घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आप लोगों ने मेरी शादी सनी के साथ करना
अपनी अना का मसला बना लिया है, लिहाजा मजबूर होकर मैं ये कदम उठा रही हूँ। गुस्ताखी माफ, आपकी बदनसीब बेटी सवेरा। अपनी जिद का नतीजा देख लिया नहीं? जवान औलाद के रास्ते की दीवार बनना अपनी इज्जत को ललकारने वाली बात है। इस जिल्लत और रुसवाई की जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो। हालात का एक एक लफ्ज, एक एक मोड़ तुम्हारे खिलाफ है। क्या बुराई थी सनी में अगर सवेरा उसे पसंद करती थी? क्यों तुम उसके रास्ते में आई? अब दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगी? जी चाहता है बंदूक की गोलियां तुम्हारे सीने के पार उतार दूं और खुद भी खुदकुशी कर दूं। अब मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी भाग गई? मैं दुश्मन नहीं, मां हूं उसकी। मैं सनी से उसकी शादी के लिए इसलिए नहीं मानी थी कि बेटे वालों की नजरों में गिरकर जबरदस्ती बेटे का रिश्ता नहीं दे सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि इस रिश्ते के हो जाने में सबसे ज्यादा एतराज सनी के बाप को था। सनी ने जब भी अपने डैडी को हमारे घर आने के लिए कहा, वो इनकार कर देते थे, नहीं माने उन्होंने अपने बेटे की बात। किस तरह मान लेता बेटे की नाजायज पसंद? सनी इज माई सन, नॉट माई फादर। वो मेरा बेटा है, बाप नहीं। सरकश औलाद ऐसा नासूर होती है जिसे काट देना ही बेहतर होता है। जरीना, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत पर लात मार कर चला जाए एक लड़की की खातिर, उससे क्या उम्मीदें वाबता कर सकती हैं आप? क्या मान रखा है उसने हमारा? अगर उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली तो इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे उसके लिए। और सुनो, अगर उसने इस घर में कदम रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो मर चुका है हमारे लिए, मर चुका है। सनी आपका बेटा है अमजद। मैं उसे हरगिज मुआफ नहीं कर सकता। उसकी पसंद मेरी बहू नहीं बन सकती। आखिर इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए। ये वजह बताना जरूरी नहीं है जरीना। जरूरी है अमजद, इसलिए कि मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। आखिर इस बेजा इनकार की वजह क्या है? बेजा इनकार नहीं, मेरे पास ठोस वजह है। तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफी है कि सवेरा की मां पहले मैं बीवी हुआ करती थी। क्या कह रहे हैं आप? सवेरा की मां आपकी बीवी थी? हाँ, वो मेरी बीवी जरूर थी, मगर मेरे बच्चे की मां न बन सकी। और ये दुख मेरे मां बाप की जिंदगी का रोग बन गया, और वो मेरे औलाद की खुशी देखे बगैर इस दुनिया से चल बसे। और उसी दिन से मेरी नाही से नफरत बढ़ती रही, और मैं रातों को घर से बाहर रहने लगा। आखिर एक रात जा रहे? कोई नया सवाल पूछो, ये तो तुम हर शाम पूछती हो। रात फिर देर से लौटेंगे? जी हाँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की हर रात दिन से भी खूबसूरत होती है, समझी? Ah.
बात बन जाए अगर आप इनायत कर दी। एक रंगी गजल है जवानी मेरी बन के शायर आवाज भेजती हूँ खुद को नहीं तवायफ सिर्फ इन रंगीन टुकड़ों की मोहताज होती है। देख ये नोट कितनी बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं थूकती हूँ आपके नोटों पर। शानी भाई मेरी पसंद को मेरी जिद न बनाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अपनी जिद को समेट कर यहाँ से निकल जाइए अभी और इसी वक्त दबा जाइए। बकवास बंद करो। बख्शो भैया कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ तवायफ हो। शरीफ बनने की कोशिश मत किया करो। चलो कमरे में जाओ। मैं कहता हूं दफा हो जाओ।
आप हौसला ना हारे, मैं आपकी तमाम मुश्किलें आसान कर दूंगा। बस आप मेरा वो मैं समझ गया हूं तेरा मतलब। शानी पहले मेरी पसंद थी और अब मेरी जिद बन चुकी है। बोल कितना रुपया चाहिए तुम्हें? अगर आप मुझे 1,00,000 रुपया दे दे सेठ साहब तो मेरे बहुत से काम हो जाएंगे। हाँ ये लो 20,000 और बाकी की रकम मेरी जिद पूरी होने के बाद। खाना खाएंगे? खाना थोड़ा सा जहर है तुम्हारे पास, मुझे लाकर दो ताकि हमेशा के लिए मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊं। घर से जाते हुए झगड़ा, आते हुए झगड़ा, मेरी जिंदगी तो अजाब बनकर रह गई है। जिल्लत मिलती है मुझे, नाकामियां मिलती हैं। आप तो हर बात में मुझे जलील करते हैं, आखिर कोई वजह भी तो हो। वजह वजह वजह, मेरे भटक जाने की वजह तुम हो ना ही, सिर्फ तुम। क्या खुशी दी है तुमने? 3 साल हो गए शादी को, आज तक एक वारिस नहीं दे सकी हो। अमजद, इस गुनाह में मैं अपने आप को बेगुनाह समझती हूँ। तुम्हारा गुनाह ये है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से पोता पोती की तमन्ना लिए चले गए। कातिल हो तुम मेरे माँ बाप की, और आज मैं तुम्हें बे औलाद होने की ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भुला सकोगे। मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। इन तमाम वाकयात को जानने के बाद तुम अपने बेटे की हिमायत में कुछ कहना चाहती हो? सांप गुजर जाने के बाद लकीर को पीटना अकलमंदी की तौहीन है अमजद। गुजरे हुए कल को भुलाकर हम अपने आज को खुशगवार बना सकते हैं। सनी और सवेरा की मोहब्बत हमसे एक ही तकाजा करती है कि हम उनको एक कर दें। मेरा इनकार अब इकरार में नहीं बदल सकता। मैं आज 2 बजे की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूं, और एक इतलाक तुम्हारे लिए है कि अगर सनी सवेरा को लेकर इस घर में पना लेने की कोशिश करेगा तो तुम उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दोगी। ज्यादा सख्ती औलाद को बागी बना देती है सरताज। इससे बड़ा बागी और कौन हो सकता है? वो नाफरमानी की आखिरी हद को छू चुका है। उसने हमारे खानदानी विकार से खेलने की कोशिश की है। नहीं, मैं उसे हरगिज हरगिज माफ नहीं करूंगा। सुन लो तुम भी, आज के बाद इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, तुम नहीं। रिश्ता तोड़ गई है तुम्हारी बेटी, कोई बंधन बाकी नहीं रहा जिंदगी के लिए। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। नहीं नहीं अली, खुदा के लिए हट जाओ। मैं आपको ऐसे नहीं कर हट जाओ बेटे। मेरी बच्ची वो कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मामा गई थी तो वापस आने के बजाय मर क्यों नहीं गई? क्या जवाब है तेरे पास बाप के माथे पर लिखे जिल्लत भरे सवालों का? क्या बताएगी मुझे? इससे पहले कि मेरा दिल धड़कना छोड़ दे मुझे कुछ मत बताना, मुझ में कुछ सुनने की हिम्मत नहीं। जी, मैं
मैं आपकी इज्जत अपने दामन में समेटे घर वापस लौटी। जो कदम एक बार घर की तहरीज से बाहर निकल जाए उनकी पाकीज़गी मशकूक हो जाती है। अली, नादान औलाद से अनजाने में गलती हो जाया करती है, मुझे यकीन है मेरे बच्चे। तुम जानती हो जंगली जानवरों का बंदूक से शिकार करने वाले अली ने बेटी को घर आता देखकर बंदूक फेंक दी थी हाथ से, इसलिए कि इसे कुछ कह नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसे मार दिया तो हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मम्मी, रानी बेटी तू आ गया है, बहुत अच्छा किया तूने। तुम्हारे दादी बहुत नाराज हैं बेटे, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे ही तेरी डैडी लंदन से वापस आए तुम भी मना लेना, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। मां बाप की डांट हमेशा औलाद की बेहतरी में रहती है बेटे, बाप की बराबरी बेटे को जेब नहीं देती। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, डैडी से माफी दिलवा दीजिए, मुझे डैडी से माफी दिलवा दीजिए। तूफान थम जाने के बाद चीजें बिखरी रहती हैं, उन बिखरी चीजों को ढंग से समेटा जाता है बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारे डैडी जरूर मान जाएंगे, बेटी जरूर मान जाएंगे। मायूसी कुफ्र है मेरे चांद, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मम्मी इंतजार तो मैं जिंदगी भर कर सकती हूँ। हर बात बनाने से बन जाती है सनी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे डैडी मान जाए। मैं कोशिश करूंगी बेटा अपनी अना के बुत को तोड़कर तेरी और सनी की शादी के लिए मान जाऊं। अगर वो लोग शादी का पैगाम लेकर आ जाए, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जान सी मम्मी पर मार ही जाऊंगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा लो बेटे। अच्छा मम्मी, मैं सवेरा को फोन करके उसे ये खुशखबरी सुना दूं। सनी के घर जाने से पहले मेरा ख्याल है कि उसे फोन कर देना चाहिए। शायद फोन खराब है, उसके घर ही चलते हैं। अरे सनी, मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी। मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा था सवेरा। मैं तुम्हें गुड न्यूज सुनाऊं? आई स्वेयर, मैं भी तुम्हें गुड न्यूज सुनाने आ रहा था। अच्छा पहले तुम सुनाओगे या मैं सुनाऊं? चलो पहले तुम सुना दो। इधर बैठो फिर। हाँ, मेरी मम्मी तो कुछ कुछ मान गई है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो डैडी को भी मनाने की जरूर कोशिश करेंगे। अरे बिल्कुल सेम, मेरी मम्मी ने भी मुझसे यही बात की है। अच्छा, लेकिन सवेरा मेरी मम्मी मेरे डैडी से बहुत डरती है। लेकिन बाबा उन्हें समझाने की कोशिश करो ना। लेकिन बाबा उन्हें कौन समझाए? मैं
लेकिन बाबा घर वालों को कौन समझाए। अगर तू रूठेगी तो पल में तुझे मना लूंगा। लेकिन बाबा घर वालों को कौन समझाए। तेरी मेरी शादी हो तो बात बन जाए। हाँ बात बन जाए। हाँ बात बन जाए। मैं भी तो ख्वाब ही देख रहा था। अच्छा? हाँ। ओहो, बड़ी देर हो गई है, घर चले वरना दोनों को मार पड़ेगी। हाँ ये तो है। ओके सवेरा, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके बाय बाय। बाय बाय। मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हाँ सनी, कल पोर्ट्रेट स्टेडियम में फन फेयर है, जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
अपने लिए भी लेके आता हूँ। हाँ जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। ऐ हुसन की मलका, अपने हुसन की थोड़ी सी खैरात हमें भी दे दो। क्या बात है सवेरा? देखो सनी, इन्होंने मेरी आइसक्रीम छीन ली। आइसक्रीम खाने को जी चाहा इसलिए छीन ली। बैठे, क्यों मार रहे थे ये तुम्हें? सनी, तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने सनी की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या नाम है तुम्हारा? सवेरा। बड़ा प्यारा नाम है। It's too late. न जाने अब तक शानी क्यों नहीं आई। लाखों रुपए का माल है, अगर कहीं हमारा माल पकड़ा गया तो अपना कबाड़ा हो जाएगा। सॉरी चकी, मैं लेट हूँ। शानी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझो। चैकी, मैं अपनी ड्यूटी को तुमसे ज्यादा समझती हूँ। आज भी जान हथेली पर रखकर तुम्हारा ये माल सही सलामत लाई हूँ। ये लो अपना माल। शानी, मेरा मतलब ये नहीं। तुम तो जानती हो कि स्मगलिंग करना कितना मुश्किल काम है। हर वक्त जिंदगी और मौत के साथ खेलना पड़ता है। पैसों का मसला जो हुआ, लेकिन चैकी, मैं सिर्फ तुम्हारी पार्टनर ही नहीं, एक औरत भी हूँ। किसी मासूम को मुसीबत में नहीं देख सकती। सॉरी फॉर दैट। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, जरा सी बात पर घबरा जाता हूं। मुझे माफ कर दे दीदी, मुझे माफ कर दे। रो नहीं, तुम्हारा बाप उसूलों का गुलाम जरूर है, खुद गर्व नहीं है बेटा। तुम मुझे सनी से मिलवा दो, मैं उसे तुम्हारी चाह समझकर अपने सीने से लगा लूंगा। डैडी, मेरे अच्छे डैडी। शानी। यस सर। क्या
जहाज चलने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है और तुम मेरी जगह किसी और को भिजवा दो। शानी, जो काम तुम कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता। तो फिर खुद चले जाओ। शानी, मत भूलो कि अमजद मेरा करीबी दोस्त है। अगर उसका माल पकड़ा गया तो उसे लाखों का नुकसान होगा और मैं उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मत भूल शानी, तुम्हें दूसरी जिंदगी मैंने दी है। माशरे की जहर आलूद हवा से भागकर खुदकुशी करने वाली शानी आज राज कर रही है। मेरी वजह से लाखों में खेल रही है। तुम्हारे उस छोटे से एहसान ने मुझे मेरी दुनिया से बहुत दूर कर दिया। आज मैं महसूस कर रही हूं कि मुझे उस वक्त ही मर जाना चाहिए था। आज मेरे अंदर की औरत जाग उठी है। आज मैंने ऐसे फूल को देखा जिसकी खुशबू ने सोई विशानी को बेदार कर दिया। ना जाने वो कौन थी। मुझे डर महसूस हो रहा है। तुम्हारी मम्मी मुझसे क्या पूछेंगी? ओ डरपोक लड़के, वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी। देखो सवेरा, मेरी रिक्वेस्ट मान लो प्लीज, मुझे उनके सामने मत लेके जाओ। ओ शट अप सनी, वो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगी। चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो आओ। गाली मार दूंगा। बड़ी मुश्किल से कलोर हाथ आया है, खून के खा जाऊंगा। डैडी, 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 ये तो सनी है। अरे सनी बाबा, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। हम तो खुद तुमसे मिलना चाह रहे थे। उठो 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 उठो। अरे नहीं, देखो कौन आया है। सवेरा सनी को पसंद कराने आई है। डैडी, ओह सॉरी सॉरी भाई, मुंह से बात निकल गई। तुम माइंड मत करना बच्चों, माइंड मत कर। लेकिन तुम कैसे माइंड करोगे? क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है? मना कर रहा हूँ तुम दोनों को इस वक्त से। ये मजाक की बात है। क्या हालत बना दी बच्चे की? है? मैंने तो किसने किया? आदाब आंटी। जीते रहो। मम्मी ये सनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। बड़ा जिक्र सुना था तुम्हारा, आज मुलाकात ही हो गई। वो भी गोलियों से। देखा देखा, हमारा होने वाला बेटा कितना टॉल है। टॉल है, टॉल। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि हम जैसे टॉल आदमी का होने वाला बेटा सनी की तरह होना चाहिए ना। क्यों सनी बाबा? जी अंकल, मुझे आपकी राय से पूरा इत्तेफाक है। भाई अब्दुल, कोई चाय वगैरह फल फ्रूट लेकर आओ। डॉक्टर ने मना की है। बकवास मत करो। नहीं आंटी, मैं घर चलूंगा, मम्मी इंतजार कर रही होगी। मां चले जाना, इधर तो इधर इधर। सनी बेटे, कभी अपनी मम्मी से मिलवाओ ना, हमें उनसे मिलने का बड़ा शौक है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मेरा मतलब है सनी के मम्मी डैडी और सवेरा की शादी की बातचीत बातचीत। हाँ बेटा जरूर, कल सवेरा की सालगिरह है, अपनी मम्मी डैडी को लेकर जरूर आना। मैं उन्हें घर फोन भी कर दूंगी। जी आंटी। देखो बेटी, डैडी ना हो ना तो मम्मी को लेकर जरूर आना। अच्छा आंटी, खुदाफिज़। खुदाफिज़ अंकल। शाबाश, खुदाफिज़। क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कह रहा था सालगिरह मनाएंगे। सालगिरह मनाएंगे? हाँ मनाएंगे। आप ठीक हैं? पहले क्या किया है? मैं पूछती हूँ कहाँ है सब लोग? ये सब तेरी शरारत है। बेगम साहबा, मैं तो किचन में खाना पका रहा था। बेगम साहबा मेरे कान छुड़वा दे, अब तो मैंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। हेलो, आइए ये तशरीफ लाइए। मैं सनी की माँ हूँ। मैं आप ही की मुंतजर थी। मैं सवेरा की माँ हूँ। माशाल्लाह, दोनों माँ बेटी सचमुच चांद हैं चांद। शुक्रिया। ये है सवेरा का बर्थडे प्रेजेंट। कहाँ है ये सब लोग? सनी, सवेरा। अजय क्या बताऊँ, नए तरीके की सालगिरह मना रहे हैं। ड्राइंग रूम का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। जाने कहाँ छुपे बैठे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या हमें भी छुपना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी। मैं भी एक जरूरी बात लेकर दिल में आई हूँ। तो फिर चले बैठकर बातें करते, अभी मेहमानों के आने में जरा देर है। चले। सरीना बहन, वो इस रिश्ते के लिए राजी है। ये तो मेरी खुशनसीबी है मिसेज अली कि मेरी बात ठुकराई नहीं गई।
आप किसी दिन अपने हस्बैंड को साथ लेकर आ जाएं, मैं और अली कोई मुनासिब तारीख बता देंगे। जी, दरअसल मेरे मियाँ ज्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं, शायद वो कारोबारी मसरूफियत की वजह से जल्द वापस ना आ सकें। आप चाहें तो सवेरा की सालगिरह पर सनी और सवेरा की मंगनी का ऐलान कर सकती हैं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इस मौके पे आपके हस्बैंड का मौजूद होना बहुत जरूरी था। शादी की बात माँ बाप के सामने तय होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सनी के डैडी मेरी और सनी की पसंद पर बिल्कुल एतराज नहीं करेंगे। Come on!
कल क्या हो ये अब न सोचो, जो होगा हम देख लेंगे। चलती है जब तक ये सांसें, एक जान बन के रहेंगे। तू मेरी मौसम है, अब दर में आना कोई आए। ये रोशनी ये साए, एक दूसरे के हम साए। मौके पर मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने हमारी बेटी सवेरा की खुशी में शिरकत की। खुदा आपको ऐसी सैकड़ों खुशियां नसीब करे। इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाहती हूं। मैंने सवेरा को अपने बेटे सनी की जिंदगी का साथी चुन लिया है। आपकी क्या राय है? जो आपकी खुशी वो हमारी खुशी। तो फिर बारात लेकर कब आऊं? आप जब भी बारात लेकर आएंगी हम रामे आंखें बिछाए बैठे होंगे। हेलो, कौन बोल रहे? आंटी से बात करनी है। अच्छा, होल्ड करें, बुलाती हूँ। आंटी आपको फोन है। अच्छा, बेगम साहिबा, साहब का लंदन से टेलीफोन आया था। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? वो कह रहे थे मैं फिर फोन करूंगा। अच्छा, अच्छा आप इजाजत दें, सनी के डैडी का लंदन से फोन आना है। ओ चलो सनी बेटा,
अच्छा अंकल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, मुंह साफ करो। अच्छा भैया खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। हेलो जी, बोल रही हूँ, आप खैरियत से हैं ना? हाँ हाँ खैरियत से हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। जी कहिए। मेरे फोन के कुछ ही देर बाद मेरे दोस्त जैकी है ना, वो आपके पास आएगा, उसे सेफ में से मेरा ब्रीफकेस दे देना। जी बेहतर। और कोई बात? कब तक लौटेंगे आप? अभी कुछ पता नहीं है। एक खुशखबरी सुनाऊं आपको, सनी बाबा घर आ गया है। आ गया है तो जंजीरें पहनाकर कैद कर लो, उसको घर से निकलने की इजाजत मत देना, ये मेरा हुक्म है, समझी? ओके। हेलो अंकल। अरे बेटे अपनी अम्मी से कहो जैकी अंकल आए हुए हैं, ब्रीफ केस मार रहे हैं। जी अच्छा। ये लीजिए। थैंक यू। अरे आंटी आप? अरे सनी ये घर तुम्हारा है? जी आंटी, काश आपके घर का पता होता तो सवेरा की सालगिरह पर आपको घर बुलाने जरूर आता। होगी सवेरा की सालगिरह? जी। बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन आंटी आप अपना एड्रेस तो मुझे दे दे। नहीं बेटे, मेरा घर तुम्हारी मासूम दुनिया से बहुत दूर है, जहां मेरे इर्द गिर्द कांटों की बाढ़ लगी है, बहुत बड़ी बाढ़। आंटी भी कमाल है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारा मेरा ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक है, मुझे रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा घर आ गया। ओके बाय। तुम यहां क्या लेने आए हो? मैं ये सोच रहा हूं शाली भाई, 16 साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी जवानी में कोई खास फर्क नहीं आया, कमाल है। कोई अपनों से मिलने आए तो उसे ऐसे थोड़ा ही कहते हैं। परसों जेल की सलाखों के पीछे गुजार आया हूं शानी बाई, वरना मैं तुमसे बहुत पहले मुलाकात कर चुका होता। मैं अपने माजी को वक्त की तहों में दफन कर चुकी हूँ बख्शू। खबरदार, आइंदा तुमने मुझे बाई कहा तो मैं तुम्हारी जबान। बस बस बस, तुम्हारी गुस्से वाली आदत अभी तक नहीं गई। रात को रात और दिन को दिन कहना कोई बुरी बात तो नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने माजी का गला घोंट कर तुम्हें भी अपने गुजरे हुए कल की तरह दफन कर दूंगी। मैं डरने वाला नहीं हूँ शानी भाई, जेल से आया था, जरा कड़की चल रही थी, सोचा तुझसे मिल लूं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। याद रखो बख्शू, मैं तुम जैसे घटिया इंसान को एक पैसा नहीं दूंगी। बस तुम और मैं दोनों एक ही जगह से ताल्लुक रखते हैं, जहां घटिया और बढ़िया सब बराबर होते हैं। निकल जाओ यहां से, मैं कहती हूँ निकल जाओ। चला जाता हूँ, चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। तुम्हारा ये थप्पड़ मुझ पर उधार रहा और इसकी वापसी तुम्हें सूद समेत मिलेगी शानी भाई।
देखा बेटा हमारा निशाना? साहब जी आप तो बचपन में गोलियां खेलते रहे। बकवास बंद करो, जल्दी से जाके तीते उठाइए डैडी, वरना कोई गीदा उठा के ले जाएगा। अरे बेटा हमारा शिकार कौन उठा सकता है। इस जंगल में तुम जैसी खूबसूरत हिरनी पहली बार देखी है और कहती हो छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, अगर मेरे जैजी आ गए तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जहां जैकी आता है वहां कोई और नहीं आया करता। जैजी जंगल में कभी कभी शेर भी आया करता है बेवकूफ। मेरा नाम जैकी है, देख लूंगा। अरे बेटा ये गोली क्यों चला दी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती, तो मैं मर जाती। बेटे ये शिकारी कुत्ते जो है ना, ये शिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्ची मामा, आज तो इतना मजा आया, इतना जबरदस्त शिकार किया। शिकार की बच्ची बाप के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। डैडी मामा को क्या हो गया? पागल है, पागल है, पागल है। क्या? अरे मैं कह रहा हूँ जाओ ना अंदर, तुम जाके तैयार हो। जाके अपना हुलिया ठीक करो। जानवर जानवर तौबा है। अरे बेटी पे गुस्सा उतार लिया है, अब तो मूड ठीक कर लो ना। मूड की बात नहीं अली, दो दिन रह गए बेटी की शादी को, दर्जी के पास जाना, इतने ढेर सारे काम रह गए, ये करना वो करना है। ओ ज्यादा जरूरी काम तो जूलर के पास जाना है। जाओ इस हालत में। मैंने भी जाना। मैं अकेली जाऊंगी। अरे तो मैं यूं तैयार हुआ, यूं तैयार हुआ, यूं तैयार है। डैडी आपने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ चल के मेरी फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। हाँ चलो बेटे, लेकिन तुम्हारी मम्मी लेवर लेके अकेली जाएंगी। हाँ ये तो है, मेरा निशाना आपसे ज्यादा अच्छा है, ये देखिए। ओ पिस्टल है। आखिर शिकारी की बीवी हुजूर आला, कोई मजाक नहीं। शुक्र है कभी तो बहादुरी की बात की ना। क्या? हाँ कुछ नहीं, चल 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 चल, चलो बेटा चलो, बैठे 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 बैठे, चलो जल्दी करो, परसों शादियां इनवाइटियां इनवाइटियां। शादिया को कहा था ना, जरीना बहन दुल्हन बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली भाई मेरा ख्याल है अब निकाह हो जाना चाहिए। हमारे समधी कहाँ है जरीना बहन, उनका तो इंतजार कर लेने दीजिए। उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, हो सकता है लेट हो जाए, आप निकाह शुरू करें। निकाह शुरू कीजिए मौली साहब। ये निकाह नहीं हो सकता। डैडी
तुमने तो मेरी गैरहाजिरी से फायदा उठाकर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे की शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस शहर में मेरे कुछ दोस्त कुछ हमदर्द भी जिंदा है जिन्होंने मुझे फोन पर तुम्हारी और सनी की साजिश के बारे में एक एक बात बता दी थी। हम जैसे आपका यहाँ आना हमारे लिए खुशी और मुसर्रत का बाइस है। आप तशरीफ रखें, आपके बेटे की शादी है। शादी नहीं बर्बादी कही अली सेठ, इसलिए कि इस निकाह से पहले मैंने इस हुजूम किस्म ने आपकी बेगम से एक सवाल पूछना है। आप एक नहीं 1000 सवाल पूछे, लेकिन तशरीफ तो रखें। मेरा आना आपको इतना नागवार गुजरेगा अली सेठ कि आप ये सदमा सारी जिंदगी भुला ना सकेंगे। आप कैसी बातें करते हैं बेगम, आप ही अपनी समझी की कुछ मिन्नत करें कि सनी और सवेरा। मुझे सवेरा की पहचान पूछना है अली सेठ, सवाल आपकी बेगम से है, और आज मैं इस भरी महफिल में सवेरा की माँ का नाम पूछना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं अमजद सेठ, सवेरा मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। सवाल मैंने आपकी बेगम से किया है, जवाब देने वाले आप कौन होते हैं? बेगम जवाब दो, मेहमानों के इस हुजूम की आवाज का जवाब दो, अमजद सेठ के होठों पर आए हुए सवाल का जवाब दो, मेरी और अपनी इज्जत की तरफ उठने वाली उंगलियों का जवाब दो, कह दो कि सवेरा हमारी बेटी है। जवाब दो बेगम, जवाब दो अमजद सेठ के मार का जवाब दो। अली सेठ, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। वो इसलिए कि सवेरा आपकी बेगम के सीने में दफन वो राज है जिसकी कहानी सिर्फ मैं जानता हूं। जो कुछ जानते हो बता दो, उगल दो वो राज तमाम लोगों के सामने, हम मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, बता दो एक एक बात। अरे सेठ साहब, मुझे गरीब का गिरेबान तो छोड़िए, बता देता हूँ। ये पूछिए अपनी इस बेगम से कि सवेरा एक ये तुमने क्या किया मम्मी, ऐसा क्यों किया मम्मी, ऐसा क्यों किया? रिश्तों से जिंदगी भर बहलाया गया मेरा, कोई नहीं है इस दुनिया में, कैसे जिंदा रहूं, क्यों जिंदा रहूं? जिंदगी भर दरिंदों का शिकार करने वाले शिकारी, आज तू खुद जख्मी होकर तड़प रहा है, आज कोई नहीं जो तेरी गर्दन पर छुरी चलाए, कोई नहीं जो तुझे इन हालात से निजात दिला दे, मैं कैसे जीऊं, किसके लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं? मम्मी के झूठ में मेरा तो कोई कसूर नहीं डैडी, जब इस जबान ने पहली बार डैडी कहना सीखा था तो मेरे सामने आप ही तो थे डैडी, क्या आप मुझे अपनी पहचान नहीं दे सकते, नहीं दे सकते अपनी पहचान? नहीं, 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 ये नामुमकिन है। सवेरा, क्या आप मुझे अपनी पहचान नहीं दे सकते, क्या आप मुझे अपनी पहचान नहीं दे सकते, क्या आप मुझे अपनी पहचान नहीं दे सकते? नहीं। डैडी क्या हो गया डैडी, प्लीज डैडी मम्मी को ले आइए ना डैडी, प्लीज डैडी मम्मी को ले आइए ना डैडी, प्लीज मम्मी को ले आइए ना। घर लाने से पहले
मुझे तुम्हारी मम्मी से और भी बहुत कुछ पूछना है। मम्मी के पास जा रहे हैं, तुम मुझे भी साथ ले। नहीं, तुम घर पर रहोगी, मैं वकील के पास से होकर फिर वहां जाऊंगा। मुझे अपनी बातों के चरके मत लगाएं अली, आपके जबान की सख्ती मेरा कलेजा छल नहीं करती। तो फिर जवाब दो नहीं। सवेरा कौन है? जमाने की आंखें सवाल बनकर मुझसे बार बार यही पूछती हैं कि सवेरा कौन है, किसकी औलाद है? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों से बरसता हुआ पानी तुम्हारे किरदार की स्याही को धो नहीं सकता। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने सवेरा को किसी यतीम खाने से हासिल किया था या वो किसी की नाजायज औलाद है। ऐसा मत कहे अली, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। मुझे कहने दो नाहिद, तुमने मेरी बीवी होते हुए भी मेरे एतमाद को धोखा दिया है। मुझे छुपाया है कि तुम एक पांच औरत हो, सवेरा तुम्हारी बेटी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, फरेब किया है मेरे साथ। मुझे सच सच बता दो, सवेरा कौन है और किसकी बेटी है? मेरी माँ ने मेरा घर बसाने के लिए जिंदगी में सिर्फ एक झूठ बोला, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो झूठ मेरी जिंदगी का रोग बन जाएगा। अली, जब मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात चली तो मेरी माँ ने यह बताए बगैर कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, पति जान से हाँ कर दी। बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, हम दोनों माँ बेटियों का इस दुनिया में और कोई नहीं। आपका अचानक यहाँ चले आना हमारी खुशनसीबी है, लेकिन वो बस बहन, बड़ी तो खुदा की जात है, वैसे खुदा का दिया सब कुछ मेरे पास है। किसी इज्जतदार घराने की बेटी मेरी बहू बने, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम बेटी को रुखसत कर देना, जरा जल्दी है, अल्लाह मेरे बेटे की शादी हो जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं मांगना। देखिए हम लोग बस, मैं थोड़े दिनों में अपनी बहू को लेने आ रही हूँ, आगे कुछ ना बोलना। उसने तो शिकार पर जाना है, अफ्रीका जाएगा, लंदन जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। अच्छा, जब खुदा को यही मंजूर है तो मुझे कैसे इनकार हो सकता है, जैसे आपकी खुशी। शुक्रिया। तुम्हारे साथ शादी के बाद मैं सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ भी याद ना रहा। वक्त खुशियों का पैगाम लिए, माजी के अंधेरों को बहुत दूर छोड़े एक खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा था। दादी जान की जुदाई का जख्म अभी भरा नहीं था कि अचानक तुम मुझे अकेला छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए, और फिर एक दिन अम्मी जान के खत के जवाब में तुम्हारा खत आया। प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। नए मेहमान के आने की जो खुशखबरी आपने मुझे लिखी है, यकीन कीजिए वो पढ़कर मैं खुशी से पागल सा हो गया हूं। काश इस खुशी के मौके पर मैं आपके पास होता। बहरहाल मैं जल्द ही आ जाऊंगा, मेरी तरफ से नाहिद को तसल्ली दे दीजिएगा। आपका बेटा अली। मम्मी, आपने जो झूठ बोला है अब इसका क्या बनेगा? तुम फिक्र ना करो बेटी, इसका सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। मैंने बहुत पहले ही खुद को खत्म कर लिया होता बेगम साहिबा, मगर इस बच्ची को जन्म देने के लिए जिंदा रही। मगर तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची को दूसरों के हवाले क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम अपनी बच्ची की विदाई कैसे बर्दाश्त करोगी? मुझे तकदीर का हर बार बर्दाश्त करना होगा बेगम साहिबा। मैंने जिंदगी गुजारने के लिए जिन रास्तों का इंतखाब किया है, वो रास्ते मौत की वादी में जाकर खत्म होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी भी तबाह हो जाए बेगम साहिबा। मगर तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो, तुम बताती क्यों नहीं? इन्हीं तीन सवालों का जवाब पूछने के लिए मेरे शोहर ने मुझे अपने घर से थके देकर निकाल दिया। मेरी ख्वाहिश
मेरा कसूर बन गई बेगम साहिबा, क्योंकि एक नाचने वाली अपनी पेशानी से बदनामी की बिंदिया उतार कर अपने माथे पर सुहाग का टीका सजाना चाहती थी बेगम साहिबा, मगर ऐसा ना मैं नहीं चाहती कि मेरे पाँव के घुंघरू मेरी बेटी के पाँव से लिपट कर बंदामी की जंजीर बन जाए। वादा कीजिए बेगम साहिबा, आप मेरी बेटी को कभी नहीं बताएंगी कि वो आपकी बेटी नहीं एक तवायफ साथी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब ये लव हमेशा आवाज के मोहताज रहेंगे, तो उस बच्चे को एक नाचने वाली औरत ने जन्म दिया था। बस एक वादा कीजिए, आप मेरी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखेंगे। मैं तुम्हारी बेटी पर अपनी ममता का सारा प्यार निछावर कर दूंगी। मैं इस फूल को मुरझाने नहीं दूंगी, इसे अपने कलेजे से लगा के रखूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश शाली भाई, आखिर बख्शू की बहन होना बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। बेटी उनके सर पे राज करेगी और हम दोनों बेटी के सर पे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है कि जिस औरत के हवाले तुमने अपनी बेटी को किया है वो औरत इस शहर की करोड़पति आदमी की बीवी है। हाँ, मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं बल्कि अपनी तारीफ दुनिया से दूर कर दिया। क्या भक्ति हो, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम भूल रही हो शानी कि तेरी बेटी पे तुझसे ज्यादा मेरा है और तो इसकी कीमत अदा करनी होगी। तेरा मेरा आज से कोई नहीं, यहाँ से चले जाओ हो जो। ठीक है, अगर ये फैसला तेरा आखिरी फैसला है तो फिर मैं तेरा फैसला भी करके जाऊंगा। और उसके बाद बख्शू को जेल हो गई और उसके बाद शानी का कोई पता नहीं चला। यह है वो कहानी, अब इसका अंजाम आपके हाथ में है। खुदा के लिए सवेरा के लिए कुछ कीजिए, यह उसकी जिंदगी का सवाल है। नागीत, काश तुमने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। अब मुझे बताओ वो कौन सा मैटरनिटी होम था जहां उस औरत बच्ची को दिया था? 1970 शायद नवंबर की 17 तारीख थी। जीनत क्लिनिक, मम्मी शर्म छोड़ो। मम्मी मैं आपको बुझा नहीं रह सकती। मम्मा मुझे अफसोस है बेगम साहिबा कि आज आपकी जमानत नहीं हो सकी। अब तुम सवेरा को घर ले जाओ। April 1970 में सिर्फ एक बच्ची पैदा हुई अस्पताल में। माँ का नाम? सिर्फ औरत लिखा है माँ के कॉलम में। बाप का नाम? बाप ही खाने में अली लिखा है। कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है? उसकी माँ कौन थी, कौन हो सकती है वो? फरमाइए। शानी यहाँ रहती? शानी? कौन शानी? अच्छा अच्छा, बख्शू की बहन शानी बाई। उसे तो गाना बजाना बंद किए एक अरसा हो गया है, तो यहाँ से चली गई है। और सुना है गुलबर्ग की बहुत बड़ी कोठी में रहती है। बेगम साहिबा, कोई साहब मिलना चाहते हैं आपसे।
कौन साहब है फजलू? नाम तो नहीं बता रहे, सिर्फ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मिलना? अच्छा तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। फरमाइए। तू शराफत की जिंदगी गुजारना चाहती थी ना शानी? भाई हो इसलिए रहम आ गया तुझ पर। तू यहाँ बैठ, मैं मौलवी को लेकर अभी आता हूँ। लेकिन बख्शू भैया ये घर। अरे भाई ये घर तेरे होने वाले दूल्हा का है, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ये फैसला। अरे तेरे जज्बात देखकर तेरे पत्थर दिल भाई का दिल भी मोम हो गया, इसलिए तमाशबीनों की मुखालफत मंजूर कर ली। मैंने सोचा तुझे किसी इज्जतदार घर की बहू बना दूं। मैं थोड़ी देर में अभी आता हूं। ये पत्थर दिल भैया अचानक मोम कैसे हो गया? इज्जत का दुश्मन दिल का दोस्त कैसे बन गया? कीमत वसूल कर चुका है। बाहों में आ जाओ, अब तो मैंने कीमत भी दे दी है शानी भाई, अब तुम्हें क्या इतराज हो सकता। के खर्चात के अलावा उनकी बेचैनी और दिन रात की खिदमत में आपको नई जिंदगी दी है। बस करो नर्स, तुमने मेरे मोहसिन की एक एक बात बताकर मेरे रोई रोई को उनकी अजमतों में जकड़ दिया है। मैं सोचती हूँ जब वो आएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी। कदमों में डाल दिए हैं, जिंदगी में पहली बार इंसान को फरिश्ते के रूप में देखा है। क्या कह रही हो तुम? मैं तो इंसान हूँ और वो भी गलतियों से भरपूर। तुम इस सुर्ख लिबास में। अली मेरे तन पर वो सुर्ख जोड़ा सजाना चाहती है जो दुल्हन का नसीब होता है। मगर मैं एक तवायफ हूँ, अली को ये राज मालूम नहीं होना चाहिए। ये शादी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है, सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है। जिंदगी का साथी बना लिया है तो अपने घर कब ले जाएंगे, जहां जाकर शानी को अपने महफूज होने का एहसास हो जाए। चंद दिन बाद जब दादी जान को हमारी शादी की इत्तला होगी, जब हम उस दहलीज को पार करेंगे। इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना अली। तुमने जिस औरत को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है, गंदगी और गलाजत का वो ढेर है जिससे उठने वाला ताफुन हमें इस जमाने भर में बदनाम कर देगा। ये आप क्या कह रही है दादी जान? ये तो मजबूर और बेबस लड़की है। बेबस और मजबूर लड़की नहीं, ये तवायफ है। जिसके खूबसूरत माथे पर उस बाजार की वो बदसूरत मोहर लगी है, जो औरत की बेहयाई का वो खुला इश्तहार है, जो आज भी इस शहर की हर दीवार हर कोने पर लगी है। नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। ये बात गलत है दादी हुजूर।
हमारी बात पर यकीन मत करो, खुली आंखों से देखो, ये एक तवायफ है। शानी नाम की तवायफ जो शरीफ बनकर तुम्हारी बीवी बनी है, इसका भाई अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक हमसे 2 लाख रुपए वसूल करने आया, उस वक्त की कीमत जो अब तक इसने तुम्हारे साथ गुजारा है। दादी हुजूर, गुजरे हुए वक्त में वो पाकीज़गी भी शामिल है जिसे मियां बीवी के मजबूत रिश्ते का नाम दिया जाता है। अपने खानदान के बेदाग शजरे के साथ तुमने इस तवायफ का रिश्ता जोड़ लिया, किस इख्तियार के नाते, क्या हक था तुम्हें कि तुम हमारे सफेद बालों में अपनी पसंद की राख डालकर हमें चौराहे पर लगी उस सलीब पर लटका दो, जहाँ से हर गुजरने वाला हमारे उजले नाम को इस तवायफ से नस्बत दे। तुम्हें इस औरत को तलाक देना होगी। क्या ये सच है? दूर हो जाओ, जाओ, निकल जाओ यहां से। तुम इंसानियत के नाम पर वो बदतमीज दाग हो जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं, जाओ। नहीं, जाओ। नहीं, नहीं। अब क्या लेने आए हो? तवायफ दादी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। चले जाओ, छोड़ दो मुझे, मेरी तारीख दुनिया में छोड़ दो। तुम्हारी तारीख दुनिया में एक चिराग जल रहा है, मुझे उसकी पहचान पूछना है। इसे जानती हो? नहीं, मैं इस औरत को नहीं जानती। इस औरत से मेरे माजी का कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। सच्चाई और हकीकत से मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं। मैं इस औरत का शौहर हूं जिसके दामन में तुमने अपने जिगर का टुकड़ा नोच फेंका है। वक्त की जुदाई ने जिन जख्मों को भर दिया था, शानी उनका मुंह फिर से नहीं खोलना चाहती। अपनी बेटी के वीरान और उदास चेहरे पर खुशियां बखेरने के लिए उसे बेटी कहकर सीने से लगाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि तुम सवेरा की माँ हो। सवेरा? आपकी बेटी का नाम सवेरा है? हाँ, मेरी और तुम्हारी बेटी का नाम सवेरा है। मैंने देखा है आपकी बेटी को। सिर्फ मेरी नहीं, अपनी बेटी कहो शानी, और बताओ क्या फैसला किया? नहीं, मैं अपने मनहूस साए अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। माजी में आपने मुझे तवायफ होने के नाते ठुकरा दिया था, अब मैं उस घर में चली गई तो लोग मेरी बेटी को मेरे माजी के ताने देंगे, मेरी बेटी को ताने देंगे। ताना देने वाली जबान खामोश कर दी जाएगी। नहीं, ये जालिम समाज और दुनिया चारों तरफ से उंगलियां उठाएगी। तुम्हारी तरफ नफरत से कोई उंगलियां नहीं उठाएगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा शानी। वो इज्जतदार तहलीस जब एक तवायफ के कदमों तले कुचली गई तो आज उस घर को इज्जत का वो जीना दिखाई दे जाएगा जो कभी वक्त ने मुझसे दूर कर दिया था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा शानी, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी बेटी सवेरा की शादी ना हो सकेगी, उससे उसकी मोहब्बत छिन जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी। मेरी बात का यकीन करो शानी, तुम्हारी बेटी सवेरा मर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ चलूंगी। हेलो चेकी। हेलो अमजद, हाउ आर यू? फाइन, बहुत दिन गायब रहे, लगता है कि इस दफा कोई लंबा ही हाथ मारा है। बिल्कुल सही, मेरा कारोबारी फैलाव इतना फैल गया है जिसकी रगे जमीन को चीरती हुई जमीन की तह तक पहुंच चुकी हैं। हमारे ताजा माल की रकम पहुंचाने तक मेरा ख्याल है कि मेरा दिया हुआ ब्रीफकेस तुम तक पहुंच चुका होगा। एग्जैक्टली, ब्रीफकेस का माल तो पार्टी ने हाथों हाथ खरीद लिया था, बाकी रही माल की बात, वो मैं अपने साथ लाया हूं। ओह, वेल डन, वेल डन। मुझे उम्मीद है कि हमारा तुम्हारा कारोबार चलता रहेगा। ओह श्योर। Thank you.
ये तस्वीर किसे है और तुम्हारे पास कहां से आई? एक टाइम में एक सवाल, घबराहट नहीं चलेगा पार्टनर, ये क्वीन मेरी क्वीन है। तुम्हें इसका नाम तो मालूम होगा ना? हमारे धंधे के लोग असली नामों से नहीं नकली नामों से पुकारे जाते हैं। ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, बहुत शार्प है, चुटकियों में उधर कमाल इधर और इधर कमाल उधर कर देती है। मैं भी कुछ कुछ इधर कमाल उधर करना चाहता हूं। जैकी, क्या तुम मेरी मुलाकात उससे करा सकते हो? तुम्हारी मुलाकात उससे होगी और जरूर होगी। शानी कहाँ है? वो तो किसी साहब के साथ गई है, बेटी का जिक्र कर रही थी, शायद उनकी कोई बेटी भी है, बेटी को मिलने गई होंगी। बेटी 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 से मिलने? अगर आप मम्मा को नहीं ला सकते तो फिर मुझे भी उन्हीं के पास ही छोड़ आइए। मैं मम्मा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। वो भी आ जाएंगी, तुम इधर आओ बेटी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी। नहीं डैडी नहीं, ये मेरी मम्मी कैसे हो सकती है? मेरी मम्मी तो सलाखों के पीछे बंद है। आप एक खैर औरत को मेरी मम्मी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते डैडी, नहीं बना सकते। सवेरा बेटी, शानी कोई गैर नहीं, हमारी जिंदगी की किताब का वो वरक है जो आज तक हमारी नजरों से उछल रहा है। तुम इस वर्क पर लिखी हुई तहरीर को जितना पढ़ने की कोशिश करोगी वो तुम्हें अपनी महसूस होने लगेगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती डैडी, मुझे मेरी मम्मी वापस ला दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ डैडी, इस औरत को घर से निकाल दीजिए, ये मेरी मम्मी कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती, इसे घर से निकाल दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी डैडी, मैं मर जाऊंगी डैडी। नहीं, मैं मर जाऊंगी डैडी, मैं मर जाऊंगी। जख्मों पर लगा फाड़ा उठाकर जख्मों को नंगा और बेआबरू भी कर दिया और बेटी ने मां तस्लीम भी नहीं किया। तेरी जिंदगी में सुख की कोई घड़ी नहीं आ सकती शानी, छोड़ दे इस जिंदगी को, इस दुनिया को छोड़ दे। क्या तुमने फोन करके मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था कि तुम्हारे डैडी उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेगा? जी अंकल। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे डैडी का बिजनेस पार्टनर हूँ। जी अंकल, तो क्या आप इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे? हाँ जरूर जरूर, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे डैडी से बातचीत करूंगा, वो मान जाएंगे। वो कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, कल किसी भी वक्त हम तुम्हारे घर आएंगे, बस चुप। हाउ स्वीट यू आर अंकल, थैंक यू। ठीक है अंकल, मैं भी आके सवेरा को सारी बात बताता हूँ कि हमारी बात बनने वाली है। ठीक है ना अंकल, आप भूलेगा तो नहीं, जरूर आइएगा। Thank you.
चढ़ी चढ़ी तेरे इश्क दी, वो तेरे इश्क दी चूली चढ़ी चढ़ी, अख टूट पैनी तेरे नाल लड़ी लड़ी, अख टूट पैनी वो अख टूट पैनी तेरे नाल लड़ी लड़ी, तेरे इश्क दी चूली चढ़ी चढ़ी, जे भूल न जाना सजना तेरे बिन मैं जी नहीं सकना, है तेरे इश्क दी वो तेरे इश्क दी चूली चढ़ी चढ़ी, अख टूट पैनी तेरे नाल लड़ी लड़ी, हाँ लड़ी लड़ी ओए लड़ी लड़ी, हाँ लड़ी लड़ी। दूध पी लो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो। बेटी मुझसे इतनी नफरत मत करो, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मगर खुदा के लिए मुझे अपनी सूरत दिखाने मत आया करो। चली जाओ यहाँ से। आई हेट यू जा रही हो? मुझे जाने दो अली, सवेरा ने मुझे मां तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उसका ये इनकार एक दिन जरूर इकरार में बदल जाएगा। सवेरा तुम्हारी बेटी है शानी, सवेरा तुम्हारा खून है। एक अच्छी माँ की तरह अपनी नादान बेटी की इस नादानी को बर्दाश्त कर लो शानी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार एक दिन उसे जरूर माँ की ममता के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। तुमने मुझे मां बनने कब दी आली?
तुमने तो तलाक का पत्थर मारकर मुझे जख्मी कर दिया था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं मरने से बच गई, इसलिए कि मेरे पेट में तुम्हारी निशानी जन्म ले चुकी थी। तुम्हारा मजरूम निशानी, वक्त की आंधी ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत का जहर घोल दिया था। आज वही जहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गया है। इससे पहले कि ये हवा तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले, तुम दुनिया वालों को बतला दो कि तुम सवेरा की माँ हो, मैं उसका बाप हूँ। मैं अगर सवेरा को कुछ सुख नहीं दे सकती तो दुख भी नहीं दे सकती। जाने दो मुझे। रुक जाओ शानी बहन। शानी, इसने तुम्हारे गुलिस्तान के फूल को अपने खून से सींचा है। इसने उस दलील इंसान को भी मौत के घाट उतार दिया जो सवेरा की जिंदगी में जहर घोलना चाहता था। ये आज ही जमानत पर रिहा होकर आई है। माहिद, मैं तुम्हारे इस एहसान का मतलब कभी नहीं चुका सकती। चुका सकती हूँ शानी, सिर्फ यहाँ से जाने का इरादा तर्क कर दो। सवेरा की जिंदगी बचा लो, मुझे वो आशियाना फिर से बना लेने दो जिसके तिनके जमाने की हवा ने बखेर दिए थे। नहीं बहन, क्या तुम मुझे सौतन की हैसियत से कबूल कर लोगी? कबूल तो तुमने मुझे करना है शानी बहन, इसलिए कि इस घर में मुझसे पहले मालकन बनकर तुम आई थी। सवेरा को तुमने जन्म दिया है, मैंने उसे पाला है। हम दोनों बहनों की तरह रहकर इस घर में आई हुई खजा को बाहर में बदल सकती हैं। हमने सवेरा की खुशियां हर कीमत पर खरीदनी है, चाहे वो दौलत के बदले हो या हमारी जान के। बस करो, नहीं बस करो। सवेरा की खुशियां जरूर वापस आएंगी, जरूर वापस आएंगी। शांति है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। सवेरा नाहिद की बेटी नहीं हो सकती, इसीलिए उसने रास खुलने के खौफ से बख्शू का कत्ल कर दिया। लेकिन सवेरा किसकी बेटी है? बख्शू? बख्शू तो शानी का भाई था। ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम? जी वो मैं सवेरा से मिलने जा रहा हूँ। जलील लड़के, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? पापा, मैं सवेरा से प्यार करता हूँ। बकवास बंद कर। तू उससे शादी करेगा जिसके माँ बाप कोई पता नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन पापा, सवेरा की मम्मी तो। तू जिसे सवेरा की माँ समझता है उसने रास खुलने के खौफ से कत्ल कर दिया था। जब तक इस रास का पता नहीं चलता तू इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन पापा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल अंदर, चल। पापा प्लीज, मैं सवेरा से मिल लेती हूँ। सवेरा बेटी, आंसू पोंछ डालो। तुम्हारे डैडी ने जिस औरत से शादी की है वो औरत सवेरा बहुत अजीम औरत है। नहीं मामा, नहीं। दूसरी औरत की खुशियां छीनने वाली औरत तो डायन होती है मामा, डायन। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो। उस औरत का तुम्हारी मम्मी पर बहुत बड़ा एहसान है। कौन सा एहसान? एक हादसे में तुम्हारी मम्मा मर गई होती बेटा, इस औरत ने अपने दिल और जिस्म का तमाम खून मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दिया। तुम्हारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है उसमें शानी का खून भी शामिल है बेटा। तो फिर सवेरा की रगों में दौड़ने वाला खून निचोड़ लीजिए मामा। अगर ये औरत इस घर में रहे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हेलो। अरे, कभी हमको भी प्यार था तुमसे, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी तुम भी हमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। याद है, आज से 16 साल पहले तुमने मेरे दिल पर एक चोट लगाई थी। उस खूबसूरत चोट का निशान मेरे दिल पर आज भी बाकी है।
याद है, दुल्हन का वो सुर्ख जोड़ा, वो रात। हाँ, अब तो याद आ गया होगा। हाँ, मुझे याद आ गया। बूढ़ी हो गई हो लेकिन याददाश्त अभी जवान है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी सवेरा की खुशियां मेरे इशारे की मोहताज हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। जिस लड़के से तुम्हारी बेटी सवेरा मोहब्बत करती है वो मेरा बेटा है। He is my son. जिस वक्त मुझे पता चला कि सवेरा मेरी पुरानी पहचान वाली शानी बाई की बेटी है तो मेरा दिल खुशी से झूमने लगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान नहीं कर सकता। और मैंने अपने बेटे पर लगाई हुई तमाम पाबंदियां उठा ली। अब अगर तुम अपनी बेटी सवेरा की खुशियां चाहती हो तो फौरन आकर मुझसे मिल लो, वरना मैं अपने बेटे पर से उठाई हुई तमाम पाबंदियां लगा दूंगा और तुम्हारी बेटी खुदकुशी कर लेगी। नहीं, खुदकुशी कर लेगी। हेलो, हेलो, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमजद। जिस फूल को मैं 16 साल तक मसल न सका उसे तुमने सूंघने की जुर्रत कैसे कर ली? तुमने अपने और मेरे दरमियान दुश्मनी की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे अब मैं तुम्हारे खून से सुर्ख कर दूंगा। शेरू, यस बॉस। शानी को फौरन बुला कर लाओ। ओके बॉस। शानी मेरी जीत है अमजद। 16 साल से जो दाव मैंने लगा रखा है उसे मैं कभी हार नहीं सकता। जाओ और जाकर अपने चैकी से कह दो शानी को अपनी मंजिल मिल चुकी है, वो अभी इस गुलिस्तान से निकलकर उस दलदल में दोबारा नहीं आएगी। चले जाओ। अभी मैंने अपनी बेटी को सुहागन बनाना है, उसे डोली में बिठाना है, उसके हाथों में मेहंदी रचानी है, उसे सुहाग का सुर्ख जोड़ा पहनाना है। कहीं वो सुर्ख जोड़ा तुम्हारी बेटी का कफन न बन जाए। चले जाओ यहां से, तबाह हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। क्या पकते हो? शानी ने यहां आने से इनकार कर दिया और उसने तुम्हें जलील करके घर से निकाल दिया। लानत है तुम लोगों पर। मार खाए हुए गधों की तरह मुंह लटकाए हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। याद रखो शानी और अमजद, जैकी का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। सवेरा, सनी तुझे कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें सनी को भूलना होगा। और याद रखो, अगर तुम सनी को नहीं भूल सकती तो फिर खुद भी मर जाओ और सनी को भी मार डालो। हेलो। हेलो। हेलो सवेरा, तुम कैसी हो? जी रही हूँ अब तक। I love you सवेरा, I love you। I love you too सनी। मिलना तो तुम्हें मैं भी चाहता हूँ, लेकिन डैडी ने बाहर गनमैन बिठा रखा है। प्लीज सनी, अपनी डैडी से चोरी चोरी एक बार मुझसे मिल लो। मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आखिरी बार मिल लो। मगर सवेरा। अगर मगर कुछ नहीं सनी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। प्रॉमिस करो मिलने आओगे ना? मैं तुम्हारा ब्रिज पे इंतजार करूंगी। जरूर आना सनी, जरूर आना। सवेरा, सवेरा।
फैसला किया है। क्या फैसला किया है तुमने? लोग हमें जीते जी तो मिलने नहीं देंगे, हम मर जाए तो अच्छा है ना। मौत से क्या होगा, मौत किसी मसले का हल नहीं। मगर सुना है सनी, प्यार करने वाले अगर जीते जी ना मिल सके तो मरने के बाद उनकी रूह आसमानों पे मिलती हैं। तो ठीक है सवेरा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है सनी, हम दोनों एक ही वक्त में जहर पिएंगे। मुझे मंजूर है सवेरा। चलो तो फिर मर जाए। लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो हमारे साथ चलो, चलो। अंकल आप देखें ना, अंकल आप क्या अभी हमें बिला वजह उठा के ले आए हैं। बराए नाम भतीजे, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्यों होता है ये बताने की नहीं समझने की बात है। जिस तरह आज तुम मेरे कब्जे में हो, इसी तरह मेरी एक कीमती चीज तुम्हारे बाप के कब्जे में है। हमें जाने दो प्लीज। हमें जाने दो, हमें से क्या मुराद? मुझे और सनी को। ओ, बहुत दोस्ताना लगता है, गहरी दोस्ती, डीप रोमांस, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में। ऐसा ही है ना? आप सही समझे अंकल, हम वाकई एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा जी, ऐसे ही कुछ है। इसे दूसरे कमरे में ले जाओ और इसकी अच्छी तरह खातिर मुदारात करके इसके दिमाग से इश्क का भूत उतार दो, और जब भूत उतर जाए तो इसे वापस लेकर आओ। ले जाओ इसे। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए हमें, आप हम पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दो, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, सनी को छोड़ दो, हमारे पे इतना जुल्म ना करो। अपनी मौत को आवाज मत दो, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। जानता हूँ, बहुत बड़ा शिकारी है, माँ को भी जानता हूँ, जवानी में बहुत खूबसूरत रही है, मगर जो बात तुझ में है उसमें नहीं। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। गुस्से में और भी अच्छी लगती हो, मगर मैं तुम्हारे गुस्से का बुरा नहीं मानता, इसलिए कि मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूँ, एक बूढ़े शिकारी का और दूसरा शानी बाई का, जिसने मुझे लाखों का नुकसान पहुंचाया है। इसे ले जाओ और मेरी दुल्हन बना दो। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, काफी मुद्दत से इंतजार था तुम्हारा, और अब मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में। उतारो कुछ तो सोचो, मैं सवेरा की माँ हूँ और सवेरा तुम्हारी होने वाली बहू है। अमजद सेठ, अपने और मेरे रिश्ते की नजाकत का कुछ तो ख्याल करो। हाँ छोटी हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी खुशी तभी पूरी होगी शानी भाई, अगर तुम मेरी बात मान जाओ, वरना याद रखो मैं सनी और सवेरा को एक कभी नहीं होने दूंगा। सिर्फ मत करो अमजद सेठ, मैं अबली की इज्जत हूँ और मैं उसकी खानदानी शराफत पर तुम्हारे गुनाह का कोई दब्बा नहीं लगने दूंगी। झूठ पकती हो, बकवास करती हो तुम। जय की जैसे बद किरदार इंसान के साथ 16 साल गुजारे हैं तुमने, और अब अली की इज्जत होने का प्रचार करती हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो, मुझे। नहीं नहीं अमजद, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं सच कह रही हूं, मैंने गुनाह के दरिया में सफर जरूर किया है, मगर अपने किरदार पर गुनाह की एक भी छींक नहीं पड़ने दी। खुदा जानता है
एक भी छीन नहीं पड़ने दी। मगर आज आज तुम्हें मेरा अरमान पूरा करना होगा शानी बाई, पूरा करना होगा। हेलो, ओ जैकी सेठ, कैसे हो? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो तुम्हारी शानी है ना? आज अपनी मेहमान है। तुम भी कान खोल कर सुन लो अमजद सेठ, तुम्हारी होने वाली बहू और तुम्हारा लाडला बेटा इस वक्त दोनों मेरे कब्जे में हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। बिल्कुल सच है अमजद सेठ, मैं भी कोशिश करूंगा कि आज का जश्न यादगार बन जाए। तुम्हें मैं तुम्हें जैकी, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हेलो 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 हेलो, मेरा बेटा सनी और मेरी होने वाली बहू सवेरा, शानी शानी। जला ही है हम
अमजद बड़े वक्त पर आए हो। जैकी मेरे बेटे और बहू को छोड़ दो। बहुत ख्याल है तुम्हें अपनी बहू और बेटे का, अपने पार्टनर और दोस्त का जरा भी एहसास नहीं। सनी के जख्मों से ये रिश्ता हुआ खून चीख चीख कर मुझे तुम्हारी जलालत की कहानी सुना रहा है। सनी के जख्मों से ये रिश्ता हुआ खून चीख चीख कर मुझे तुम्हारी जलालत की कहानी सुना रहा है। बात जलालत की नहीं, जिद की है। तुमने मुझसे मेरी शानी को अलादा किया है। आज मैं तेरी बेटी की इज्जत को अपनी बाहों में समेट रहा हूँ। जेके, शानी गुनाहों की दलदल से निकलकर शराफत की जिंदगी बसर करना चाहती है। तुम्हारी शानी को मैंने नहीं, उसकी बेटी सवेरा की मोहब्बत से अलग कर दिया है। मैं तुम्हारी इन फजूल बातों में आने वाला नहीं। सवेरा तुम्हारी बहू नहीं, मेरी सेज का फूल बनेगी। जैकी! नहीं, नहीं। ये मेरा पार्टनर है, इसका हिसाब मैंने चुकाना है। छोड़ दो शानी, आज मैं अपने रास्ते की हर दीवार को गिराता हुआ गुजर जाऊंगा। छोड़ दो मेरी बेटी को। माँ, मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। शानी, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने सारी जिंदगी मौत की आंखों में झांकते हुए गुजार दी है, तुम मुझे क्या मारोगे जैकी? तुमने हमेशा मौत को दूर से देखा था, आज करीब से देख लो। जान ईमान। Thank you.
जैके, तुम जितनी तेज भाग सकते थे भाग लिए, लेकिन अब तुम अपनी मौत और शिकारी की पहुंच से नहीं भाग सकते। जमीन की धूल हवा का गोला बनकर भी जितना मर्जी उड़े मगर सूरज तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। जैके, उस दिन तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन आज मुझसे नहीं बच सकते। ये तुमने क्या किया? सारी उम्र मेरी गलती की सजा भुगती, अपनी बेटी को अपनी निगाहों से दूर रखा, सिर्फ इस वास्ते कि मेरे खानदान की अना कायम रहे, सिर्फ इसलिए, इसलिए कि बात बन जाए। हाँ अली, जो बात बनते बनते मेरे बालों में चांदी आ गई, मैं नहीं चाहती थी कि वही बात बनते बनते तुम्हारी बेटी के बालों में भी चांदी आ जाती, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। अब तो बात बन जाएगी ना अली, अब तो बात बन जाएगी। बात बन गई है, बात बन गई है आंटी। हाँ मम्मी, बात बन गई, बात बन गई अली, बात बन गई। मम्मी शादी, मम्मी, मम्मी, आंटी, मम्मी।